सो कंटिन्यू योर लेक्चर कि हम टॉप डोमेन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि टॉप डोमेन्स क्या होती हैं कि जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हो टू द वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसके लिए देर इज़ अ नीड के व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपने टॉप डोमेन्स में से सबसे पहले देखना होता है कि आपकी वेबसाइट किस एरिया पे, किस डोमेन में आ रही है, ठीक है? जो भी डोमेन होगी उसमें आपको उसको ऐड कराना होता है, ठीक है? वो वेबसाइट आपकी वहाँ पे होस्ट होती है, तो ये आपको नेम्स आने चाहिए दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल, कि आपको बिजनेस के लिए आपकी डोमेन क्या है, कमर्शियल के लिए, एजुकेशन के लिए अगर कोई वेबसाइट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो वो .edu में, लाइक गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो .gov। What is World Wide Web? World Wide Web consists of a collection of electronic web that is basically a web page which can contain your text, graphic, animation, and some audio, video. Additionally, web pages usually have a built-in connection to some other document. तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है कि जहाँ पे पब्लिकली चीज़ें अवेलेबल होती हैं एज अ वेबसाइट, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दैट रिलेटेड पेजेस एंड एसोसिएटेड आइटम्स सच एज डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर्स स्टोर्ड इन अ वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या होते हैं, जैसे गूगल का वेब सर्वर है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, व्हाट्सएप का है, टिकटॉक का है, और डिफरेंट सोशल मीडियाज जो भी अभी वर्किंग में है उनके हमारे पास सर्वर्स होते हैं, ठीक है? जिनके अंदर ये सारे आपका डेटा स्टोर होता है, जहाँ अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, ये सारा डेटा आपका वहाँ पे अपलोड हो रहा होता है, ठीक है? नाउ द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ दैट रिलेटेड पेजेज जो आपने प्रीवियसली बनाए होते हैं, जिनके अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक और इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो ब्राउजिंग द वेब, a browser application software that allow a user to access and view web pages or access web 2.0. So browsing the web means that you need a browser to search those one, ठीक है, those websites, like आपने कोई भी वेबसाइट को सर्च करना है तो उस वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो है वो क्या करें, उसका आपको कोई ना कोई डोमेन नेम या उसका आईपी एड्रेस या उस वेबसाइट का नेम आपको पता होगा, देन यू विल इजीली सर्च। इन ब्राउजर कौन से होते हैं, लाइक मोजिला, गूगल क्रोम, ठीक है? इसके अलावा नेटस्केपे और नेटस्केप जिसे कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दीज आर ऑल द ब्राउजर जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। डाउनलोडिंग क्या होते हैं, इज अ प्रोसेस ऑफ a computer or a device receiving information such as web page, internet, ye basic cheeze hain. Web addresses kya hote hain, that is very important. Web page has a unique address called a uniform resource locator. Aksar hum kehte hain na, give me the url, give me the link. For example, home page of the United States Nation Park Service site has www.nps.gov and इट्स वेब एड्रेस, ठीक है, नेम भी। तो वेब एड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटोकॉल डोमेन, तो सम टाइम हमें उसका पाथ बनाना पड़ता है। तो व्हेन मेनी वेब पेजेस एड्रेसेस बिगिन विद द एचटीटीपी, तो एचटीटीपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है कि रीलोकेट कर लो, जहाँ पे आप हो वहाँ से रीलोकेट कर लो उस वेबसाइट पे जो आप की रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। सर्च इंजन के, सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम दैट फाइंड वेबसाइट, वेब पेजेस, जैसे गूगल है, तो गूगल इज अ इंजन, सर्च इंजन, जो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, न्यूज, मैप एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो इसके लिए लाइक दिस, गूगल इज अ सर्च इंजन। पोर्टल क्या होता है, एक वेबसाइट होती है जिसमें वैरायटी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज एक सिंगल कन्वीनियंट लोकेशन पे होती हैं, तो हम उसे कहते हैं पोर्टल। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना, एग्जांपल अगर आप देख लें, गूगल इज अ पोर्टल, यूनिवर्सिटी, हाँ, गूगल एक, गूगल क्लासरूम इज अ पोर्टल। तो वो क्या होता है, उसमें आपकी असाइनमेंट्स भी चेक हो रही हैं, आपकी अटेंडेंस भी है, आपकी प्रोफाइल भी मैनेज हो रही है, तो हम उसे कलेक्टिवली एक पोर्टल का नाम देते हैं। सिमिलरली पोर्टल क्या होता है, जहाँ पे आपके ग्राफ्स भी बन रहे हैं,
ठीक है, ग्राफ्स में भी चीजें हैं, रिपोर्ट्स भी बन रही हैं आपकी, डेटा भी इंटर हो रहा है, तो कलेक्टिवली यू कॉल इज एज अ पोर्टल. ठीक है, लाइक मोस्ट पोर्टल ऑफर दीज फ्री सर्विसेज लाइक सर्च इंजन, न्यूज, स्पोर्ट, वेदर फॉरकास्टिंग, शॉपिंग एंड ईमेल, अदर कम्युनिकेशन सर्विस, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ पोर्टल. फर्दरमोर वी हैव अ न्यूज, हैज न्यूज वेबसाइट कैन टेक, यस सॉरी दोबारा पूछिएगा, मैं मिस कर. फेसबुक भी पोर्टल है सर? फेसबुक में देखें हम, अगर हमारे पास तो फेसबुक पे हमारे पास कलेक्टिवली क्या चीजें हैं जहाँ पे एक से ज्यादा काम हो रहा हो. जैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, एक पोर्टल है जहाँ से क्या मिल जाता है, जहाँ से आपको लैपटॉप भी मिल जाते हैं, जहाँ से आपको डिफरेंट न्यूज भी मिल जाती हैं, ठीक है, जहाँ से आपको फोन्स भी मिल जाते हैं, तो कलेक्टिवली यू कॉल इज एज अ पोर्टल. जैसे एकेडेमिया पोर्टल मैंने आपको बताया ना, गूगल क्लासरूम में जहाँ असाइनमेंट्स भी हो रही हैं, UAAR पोर्टल है, ठीक है, कि जहाँ पे आपकी पेपर्स भी आते हैं, मिड्स भी, आपकी कोर्स आउटलाइन भी होती है, एक से ज़्यादा जहाँ पे सर्विसेज मिल रही हो ना, सो कलेक्टिवली कॉल इट एज अ पोर्टल. ठीक है, ओके सर. न्यूज का आपको पता है, वी हैव डिफरेंट मैगजीन्स, न्यूज पेपर, स्पॉन्सर वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड समरीज ऑफ प्रिंटेड आर्टिकल एज वेल एज आर्टिकल नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंटेड वर्जन, तो आप उसको ऑनलाइन वर्जन में ले आते हो. आजकल बहुत अच्छा बिजनेस है, आप लोग अपनी वेबसाइट बनाएं, ठीक है, अपने आप फेसबुक पेज बनाएं जहाँ पे आप न्यूज शेयर किया करें, ठीक है, करंट न्यूज बात किया करें. लाइक अभी हमारे पास ये तरीके लगवाई और इससे रिलेटेड डिफरेंट है, तो उस पर आप अपना एजेंडा व्यू, अपनी रिपोर्ट लिखें, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी एडसेंस लगाएं और अच्छा आप जो है वो अर्न कर सकते हैं. इट्स अ गुड बिजनेस नाउडेज, आप घर बैठे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. बिजनेस एंड मार्केटिंग, अ वेबसाइट कंटेन कंटेंट दैट प्रोमोट और सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज. लाइक फेसबुक कहाँ से अर्निंग करता है? एड्स से, जो एड्स दिखाता है लोगों को, वो एड्स जो है वो कंपनी से पैसे लेता है और उनके एड्स दिखा रहा होता है. फेसबुक पे ऐसा हो रहा है, इंस्टाग्राम पे, ये टोटल जितने भी मार्केट है, फेसबुक, गूगल, ये टोटल एड्स बेस है, इसकी अर्निंग सिर्फ एड्स से चल रही होती है, नथिंग एल्स. तो आज ये टॉप जो है वो बिजनेस अंग्स बने हुए हैं. वी हैव अ ब्लॉग, ठीक है, अक्सर लोग ब्लॉग लिखते हैं, शॉर्ट वेब ब्लॉग होता है, ठीक है, जैसे वी लॉग लोग बना रहे होते हैं, वीडियो ब्लॉग्स बना रहे होते हैं, ठीक है, जो इनफॉर्मल एक वेबसाइट होती है जिसमें आप अपनी डेली जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे आप चीज़ें ऐड करते रहते हैं साथ, तो कलेक्टिवली यू कॉल इट एज अ. ये जो न्यूज़, ये न्यूज़पेपर्स के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं, ये भी एज अ ब्लॉग आते हैं? नहीं, न्यूज़ आर्टिकल जो होते हैं ना हमारे पास, न्यूज़ आर्टिकल्स में हमारे पास इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इसमें वेरिएशंस तो आती हैं, ठीक है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं इस सेंस में कि इसमें हमारे पास स्पोर्ट्स की भी न्यूज़ होती हैं, वेदर की, लेकिन ये टोटली न्यूज़ से ही रिलेटेड है, ठीक है, टोटली वेदर की भी न्यूज़ हैं. आर्टिकल्स भी जो होंगे वो कोई ना कोई आपको प्रोविजन ही दे रहे होंगे, आइदर कुछ इवेंट बता रहे हैं, कुछ लाइफ सिनेरियोस बता रहे हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, लेकिन समहाउ आप इसे कह सकते हैं कि मोर देन वन सर्विसेज आपको दे रहे हैं, लेकिन एज अ न्यूज़ दे रहा है. लेकिन जो पोर्टल होता है ना, वो आपको वैरायटी बताता है, वैरायटी किसकी? इंटरनेट सर्विसेज की, कि जैसे आप एक पोर्टल ओपन करें जहाँ से आप जो है वो चैट भी कर रहे हैं, उन्हें ईमेल भी कर रहे हैं, वहाँ पे न्यूज़ भी चल रही हैं, ठीक है, तो पोर्टल हमेशा मोर देन वन कंसीडर किया जाता है, कि मोर देन वन सर्विसेज जो एक ही कन्वीनियंट लोकेशन पे हो. जैसे मैंने आपको बताया ना, एक ही वेबसाइट खोलें जहाँ पे सारी वेबसाइट का आपको मोबाइल फोन्स नज़र आ रहे हैं, उनके रेट नज़र आ रहे हैं. सिमिलरली आप देखें तो वहाँ से लैपटॉप भी खर्च कर सकते हैं, वहाँ पे और भी सर्विसेज हैं, ठीक है, आप उनसे चैट, तो आप उसे कलेक्टिवली पोर्टल कहते हैं. तो ब्लॉग क्या होता है? एक बाइक जिसमें पब्लिश करते हैं आप शॉर्ट मैसेजेस, ट्वीट जैसे है, तो ट्वीट को अक्सर पहले ब्लॉग के कंसीडर में लिया जाता था, कि वो 100 to 200 करेक्टर्स जो है वो, लाइक ट्विटर इज़ अ पॉपुलर माइक्रो ब्लॉग, एक एग्जाम्पल भी दी हुई है.
Now we have some educational websites offers exciting like भी आप देखें इतनी वेबसाइट्स बनी है फॉर एजुकेशन पर्पस के 9th 10th और इनके लिए उन्होंने कोर्सेज रखे हुए फ्री ऑफ कोर्स लोग वहाँ आते हैं उन्होंने एड्स भी लगाए हुए अच्छी अर्निंग कर रहे हैं एंटरटेनमेंट अक्सर ये अभी मैं देख रहा था एक को मैंने एडमिट किया अपनी क्लास के अंदर उसने जो है वो नोयान की तस्वीर लगाई हुई है ठीक है तो यस एंटरटेनमेंट के लोगों ने पेजेस बनाए हुए हैं वेबसाइट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ये जितने डिफरेंट ड्रामास तुर्की के ड्रामे और ये अपलोड करते रहते हैं चैट रूम्स बनाए हुए हैं म्यूजिक्स वगैरह अपलोड करते हैं और साथ एड्स लगाते हैं अहदीस तर्जुमे उनके लगाते हैं लोग उनको रीड आउट करते हैं और साथ वो एड्स भी चल रहे होते हैं तो उनको अच्छी अर्निंग हो जाती है एडवोकेसी भी हमारे पास काइंड ऑफ एक वेबसाइट है कंटेन कंटेंट दैट डिस्क्राइब कॉज ओपिनियन और आइडिया ठीक है दिस वेबसाइट यूजली बेसिकली पर्टिकुलर ग्रुप और एसोसिएशंस के लिए होती हैं तो ये जर्नल हमारे पास इंटरनेट के लिए था So, अब मैं आपसे जो है वो नेटवर्क रिलेटेड जो है ना चीजें शेयर कर दूंगा क्विकली फिर हम वाइंड अप कर लेंगे इसको स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को यस सर ओके ग्रेट सर हो रही है ओके ग्रेट अच्छा मैंने आपको मिड टर्म का बताना था मिड टर्म आपका 6 नंबर का मिड टर्म होता है ठीक है 6 नंबर का आपका मिड टर्म का पेपर है आपका 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है 12 नंबर का आपका फाइनल टर्म थ्योरेटिकल पोर्शन है और 4 नंबर आपके जो है वो असाइनमेंट क्विजेस के होते हैं ठीक है सो वाई कंप्यूटर नेटवर्क दिस इज बेसिकली अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर तो आप अगर देखें ह्यूमन भी अकेला जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता था ठीक है तो ह्यूमन को देख के ही कंप्यूटर बना था जब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर बने उनकी बहुत ज़्यादा लोग जब दुनिया में आए उनकी कम्युनिकेशन बनी उनकी कम्युनिटी डेवलप हुई तो जब कंप्यूटर को एक सिंगल बनाया गया लेटर ऑन सोचा गया कि जब ह्यूमन को देख के कंप्यूटर बनाया गया ह्यूमन ब्रेन को तो आपस में कंप्यूटर भी क्यों नहीं कनेक्ट हो सकते वहाँ से नेटवर्क का सारा कंसेप्ट डेवलप हुआ कि नेटवर्क क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स टू और मोर ऑटोनोमस कंप्यूटर्स द कंप्यूटर कैन बी जियोग्राफिकल लोकेटेड एनीवेयर ठीक है तो आपस में अगर वो कनेक्टेड हैं थ्रू वायर और वायरलेस सो देर आर टू बेसिक नेटवर्क डिवाइसेस जिसको आप कह सकते हैं अदर वायर या वायरलेस वायर्स में आपके पास क्या होती हैं ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल जिसे आप केबल इंटरनेट आता है या फाइबर ऑप्टिक्स आपके आते हैं वायरलेस में आपके एंटीना सेटेलाइट और ये फ्रिक्वेंसीज वगैरह आ जाती हैं दीज आर बेसिकली द हार्डवेयर्स ठीक है दैट हैव बीन यूज्ड फॉर कनेक्टिंग और डेवलपिंग अ नेटवर्क फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट डिवाइसेस ठीक है लाइक आपके घर में रूटर लगा हुआ है जैसे फ़ोन भी लैपटॉप भी और भी सारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है सो ये दीज आर ऑल द हार्डवेयर्स ठीक है दैट आर यूज्ड फॉर नेटवर्किंग रूटर स्विच हब मोडेम Now repeaters are a signals basically attenuation or a signal loss degrade over a distance. तो repeater क्या करते हैं कि आपका कोई signal weak हो जाते हैं ना उनको amplify करते हैं resend कर देते हैं जो weakened आपके हो जाते हैं ना signal for long cable length बहुत लंबी cable है रास्ते में जो signal भेजा है weak हो गया तो repeater आप लगा देते हैं अगर कोई बहुत लंबी wire है ताकि उसको दोबारा energy दे सकें दोबारा उसको एम्पलीफाई कर सके फ्रिक्वेंसी उसकी इन्हांस कर सके तो बिल्ट इन हब और स्विचेज हैं लेयर वन जो है ना हब OSI मॉडल है हमारे पास तो OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं 7 लेयर कौन सी होती हैं वी हैव अ एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर एंड देन वी हैव अ सेशन लेयर आफ्टर दैट वी हैव अ ट्रांसपोर्ट लेयर देन नेटवर्क लेयर फिर हमारे पास डेटा लिंक लेयर आती है और फिजिकल लेयर दीज आर द 7 लेयर्स इन अ OSI मॉडल एंड इन द OSI फर्स्ट लेयर मॉडल वी यूज हब जिसको क्या किया जाता है कनेक्ट किया जाता है एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को इसमें हब के साथ ब्रिज भी आप कह सकते हैं ठीक है दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के
ये ब्रिजेस बल्कि आ भी गया. ब्रिज इज अ लेयर टू डिवाइस डिजाइन टू क्रिएट टू और मोर लैंड सेगमेंट. तो एक लाइन में अगर डिफरेंट आप देखें ना, दो लैब्स को आपस में कनेक्ट करना है इंटरनेट के, तो आप बाय यूजिंग ब्रिज आप कनेक्ट कर सकते हैं. स्विचेस आर बेसिकली आल्सो यूज्ड इन लेयर टू, जो आपकी डेटा लिंक लेयर है उसमें यूज होते हैं ये, जिसमें आप क्या करते हैं डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं उनमें आप कंप्यूटर के साथ वायर्स लगाते हैं और आके इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं. तो इसमें 16 भी होती हैं, 32 भी होती हैं पोर्ट्स आप यूज कर सकते हैं. तो हब आप देख रहे हैं डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, फायरवॉल, रूटर, इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ बाय यूजिंग हब, बाय यूजिंग रूटर. तो इस तरह इंटरनेट जो प्रोविजन होती है. फायरवॉल क्या होती है? फॉर सिक्योरिंग अ नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क के साथ जब आप अटैच होते हैं तो कोई भी वायरस ना आए, कोई भी हैकर या क्रैकर आपके जो है वो, तो फायरवॉल लगी होती है, तो इसको कभी भी ऑफ नहीं करना चाहिए कंप्यूटर से. नाउ देयर आर थ्री टाइप्स, लैन, मैन और वैन. लैन क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप, एक ही बिल्डिंग के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं, नेटवर्क बनाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, मेन क्या होता है? मेट्रोपोलिटन एरिया. ठीक है, जो आपका सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है. ठीक है, तो वाइड, दिस इज कॉल्ड मेन. और वेन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें आप जो है वो इवन कंट्रीज को और आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. तो ये स्मॉल रीजन के लिए है, 500 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को नहीं कनेक्ट करता, लेस देन 500 को कनेक्ट करता है. इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखिएगा, 10 MB से 100 MB. ठीक है, जिस विच इज़ फास्टर, मैन और वैन, क्योंकि जितने करीब होंगे उतने इंटरनेट की सर्विस प्रोविजन अच्छी हो. तो ये एक लैन का नेटवर्क है डायग्राम, आप लोगों को पता होनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए कि कैसे क्लाइंट डिवाइसेस को सर्वर के साथ कनेक्ट किए. तो एक अगर आपने लैब बनानी है तो उस लैब में लोकल एरिया नेटवर्क, लैन की टोपोलॉजी यूज होगी. एज आई टोल्ड यू के मेट्रोपोलिटन एरिया क्या होता है? सिटीज और ब्रांचेस, बैंक्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट सिटीज में यूज होता है. जियोग्राफिकल एरिया जिनका डिफरेंट हो ना, जियोग्राफिकल एरिया में लाइक कुछ रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में है, कोटा में, अटक में, इस तरह, तो उनको आपस में. मेन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया मेट्रोपोलिटन एरिया, जो एक ब्रॉड लेवल पे उसकी प्रोविजन होती है इंटरनेट की. ठीक है, इवन के कंट्रीज में भी सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो आप इंटरनेट की प्रोविजन दे देते हैं. बेस स्टेशन, रिपीटर्स, ये सारी चीज़ें उसी में है. तो आपको मेन, वेन और लैन की डेफिनेशन और इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए. ठीक है, इन टर्म ऑफ स्पीड, इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल. दिस इज बेसिकली अ वाइड एरिया नेटवर्क, इवन कि जो डिफरेंट लैंस को भी कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो आप देख रहे हैं कि किस एक सेटेलाइट के थ्रू एक पूरी कंट्री को जो है वो कनेक्ट किया गया. ठीक है, तो इवन देखें अब आपके पास एक कोलाटो में जो है वो टर्मिनल सर्विस पड़ी है, दूसरी आपकी है अटलांटा में पड़ी हुई है. ठीक है, सेकंड जॉगसन वैली में पड़ी हुई है, बर्मिंगम में कुछ पड़े हुए सिस्टम आपके, मैकॉन में पड़े हुए हैं, चार्लेस्टन में पड़े हुए हैं, वो ये सारे वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हैं. तो ये डायग्राम आपने जो है ना इसको रट्टा मार लें. क्राइटेरिया क्या है? कॉस्ट, ठीक है, नेटवर्क साइज, स्पीड, ट्रांसमिशन और नंबर ऑफ कंप्यूटर. लैंड मैन वेन के आपको बताया हुआ कि लो है, हाई है या स्लो, तो ये आपने याद कर लेना. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दीज लेक्चर्स तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लूंगा और ये मैं आपको शेयर कर दूंगा. दैट्स ग्रेट. सो रमजान का बबरकत महीना है, इसमें आप IT भी पढ़ें लेकिन कुरान पाक भी पढ़ें. ठीक है, जब आप एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ेंगे, मैं भी बच्चों से शेयर कर रहा था यही कि आप दिन में मिनिमम ऐसा किया करें कि अगर आप कुरान पाक भी ओपन नहीं करें स्टार्ट में, इट्स नॉट अ इशू, गूगल पे आप एक दो आयत पढ़ें, उनका तर्जमा पढ़ें, उनको समझें. ठीक है, उसको आप डिफरेंट, आप एज अ स्टेटस लगाएं उसे व्हाट्सएप पे, उसको आप कहीं ना कहीं जो है वो यूज़ करें और अपने वर्ड्स में उसको यूज़ करें, अपने डेली जो आपकी गपशप है ना दोस्तों से, उससे उसमें यूज़ करें उसको.
इस तरह ये होगा कि आप एक तबलीग का मेंबर बन जाएंगे, ठीक है, आप लोगों को इस्लामिक वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे, वो अल्टीमेटली जो चीज़ें लोगों को बता रहे होंगे ना वो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में भी इन हो रही होंगी, ठीक है, मेमोरी में आपके ऑब्जेक्ट बन रहे होंगे और आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, ठीक है, लाइक वो बिल वालिदीन एहसान, तो आप वर्ड पढ़ेंगे इसको तर्जुमा, आपको फिर पता चलेगा यार मैं तो अल्लाह माफ़ करे अपने वालदैन के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी बेहरमती कर देता हूँ, उनके आगे बोल देता हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने तो कहा कि उन पर एहसान करो, वो खुफ ना कहो। तो जब आप इसको अपने वर्ड्स में यूज़ कर रहे होंगे ना, लोगों को बता रहे होंगे, स्टेटस लगा रहे होंगे इंस्टाग्राम, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और आप लोगों को इंटरनली एक कंफर्ट मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मीनिंग पता चलेगा और आपको पता चलेगा अच्छा यार जिसके साथ मैं इतने ड्रामे करता हूँ वो तो यार मेरे पेरेंट्स में, मेरे वालिद वालदा में आते हैं जिनका तो बहुत ज़्यादा है, अल्लाह पाक ने उनको कहा गया कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए, का ख्याल किया जाए, ठीक है, एंड दीज टू बेसिकली जो ये दो लोग हैं यही आपके जो है वो खुशी गमी और इन चीज़ों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको आजमाइश में डालेंगी, लेकिन ये आपको हमेशा आजमाइश से निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह आपके पास और बहुत सी डेफिनेशन आएंगी जिनको आप यूज़ करेंगे लाइफ के अंदर, दुआ का तरीका, अल्लाह पाक को राज़ी करने का तरीका, डिफरेंट चीज़ें आप देखेंगे, वो आपके लाइफ में आपको थोड़ा आपका शऊर थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, जो जो शऊर आपका बढ़ता रहता है, इल्म बढ़ता रहता है आपका, आपके लेवल भी बढ़ते रहते हैं। नॉलेज पता है ये नॉलेज और ये विजडम कहाँ से शुरू होता है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेटा, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ डेटा, आपके पास डेटा है, आपने उसको पढ़ा, उसको रीड किया, उसको आपस में डिस्कशन में लाए, तो वो डेटा से इंफॉर्मेशन बन जाती है आपके लिए, वो इंफॉर्मेशन फिर आप लोगों को शेयर करते हैं, पहले आपके पास डेटा आता है उसको पढ़ते हैं वो इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लें, आईटी से लें, तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड सम प्रोसेसिंग, तो जब प्रोसेस करते हैं दिमाग में अच्छा आप कहते हैं चाहिए फिर आप वो इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन पे फर्दर वर्कआउट करते हैं, तो वो एक नॉलेज बन जाता है। जिस जब आपके पास वो नॉलेज आ जाता है ना तो आपका लेवल बढ़ जाता है, अल्लाह पाक के पास भी उनकी कुर्बत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, उस नॉलेज पे आप जब फर्दर काम करते हैं ना तो वो आपका विजडम बन जाता है, फिर लोग आपके पास आ रहे होते हैं सर हमें ये चीज़ बता दें, हम इस चीज़ में जो है वो आपकी हेल्प चाहते हैं, असिस्टेंट चाहते हैं, एड चाहते हैं, प्लीज़ हेल्प मी आउट, तो वो नॉलेज आपका फिर विजडम पे लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस कि इस रमज़ान में आप एक बड़ा छोटा सा स्टार्टअप लें, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप जो है बहुत बड़े बड़े काम कर लें, ठीक है, बड़ा बेसिक से करें जिससे आपका ना एक सबसे पहले आपका ना दिल राज़ी होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब राज़ी हो जाएंगे ना इन चीज़ों से तो फिर आपको जो है वो कहते हैं ना कि कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद इस चीज़ पे लग जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना कि अक्सर आपने देखा होगा कभी आपने लायन या टाइगर की आपको एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फोकस इनका कितना होता है, तो मैं आपको कहता हूँ कोई एक चीज़ आप फोकस रख लें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, लाइक आप अगर देखें लायन है जब वो शिकार करता है तो देखें कितने हिरन आसपास घूम रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिक्लेयर करता है कि यार ये मेरा शिकार है, फिर उसके आसपास बेशुमार घूम रहे होते हैं हिरन, जब वो भाग रहा होता है वो किसी को भी अटैक नहीं करता, उसका जो फोकस पॉइंट होता है वो उसी के पीछे भागता है और एट द एंड उसको पकड़ लेता है, अगर वो जब भागना शुरू करे कभी थोड़ा एक के पीछे भागे दूसरे के पीछे भागेगा अल्टीमेटली वो टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा और उसको रिजल्ट में कोई आउटकम भी नहीं मिलेगी और वो हंगरी रह जाएगा, तो अपने फोकस पॉइंट आप क्लियर करें और उसके पीछे भागें, ठीक है। तो मैं अक्सर एग्जाम्पल देता रहता हूँ कि आप ना अगर शेर मारने की ट्राई करते हो, ठीक है, तो आप इतने ट्रेन हो जाते हो कि छोटे मोटे गीदड़ आप आराम से मार लेते हो, ठीक है, आप इसको इस पर्सपेक्टिव से ले लें, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से ले लें, जब आपका नॉलेज वसी होगा ना तो छोटे मसले आप इजीली हल कर लोगे, ठीक है, आप कहेंगे ये तो मेरी चुटकी का काम, अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा तो यू कैन ईजिली हंट अ जॉब, ठीक है, आप कहेंगे यार मैं सी एस पी ऑफिसर मैं अच्छा बनूंगा,
ठीक है, अगर आप लोग CSS पास नहीं भी करते, कम से कम आप ग्रेड 17 की किसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी अच्छी जॉब कर रहे होंगे, तो शेयर मारने की ट्राई करें तो छोटे मोटे गीदड़ आप इजीली मार लेंगे। सिमिलरली आप अपना नॉलेज वसी करें, ठीक है, जब आप अपना नॉलेज वसी करेंगे तो अल्टीमेटली आप जो है वो बहुत बहुत बेहतर जो है वो चीज़ें ला सकते हैं। और सबसे पहले अल्लाह पाक से अपना एक कनेक्शन बनाएं, क्योंकि दुनिया में जिसने देना है, जिसने लेना है, वो अल्लाह पाक की ज़ात ही, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि अल्लाह पाक को भूल गए। तो आप लोगों ने अपना बड़ा स्ट्रांग बिलीव बनाना है, अल्लाह पाक से अपना कनेक्शन बनाना है। तो पहले ज़माने में ऐसा ही होता था कि अल्लाह पाक से कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता था ना कि उन वो दिन का खाना खाते थे, शाम का खाना गरीबों को बांट देते थे। बिलीव मैं आपको बता रहा हूँ, शाम को भी अल्लाह पाक उन्हें दे देता था क्योंकि उनका बिलीव स्ट्रांग होता था, ठीक है। परिंदे आप देख लें, वो कौन सा बिलीव जो नाम अपने भर रहे होते हैं कि यार कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता तो मिलेगा, वो दिन को खाते हैं, शाम को अल्लाह फिर दे देता है उनको। कहने का ये मकसद है कि बिलीव अपना स्ट्रांग करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको देगा। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, हजरत उस्मान गनी की ना एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि सदका जो है वो आपको कितना फ़ायदा देता है। इसी तरह ना अगर आप देखें, एक बैरा रोमा का कुआं था ना, जिसमें से जो एक यहूदी के पास था, ठीक है, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है लेकिन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि वो क्या करता था कि वो मुसलमानों को पानी नहीं देता था, ठीक है, और उनको डिफरेंट आर्गुमेंट तनकीद पास करता था कि तुमने अपने आबो अजदाद का जो है मज़हब छोड़ दिया, तुम मुसलमान हो गए हो, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, और वो बाकियों को पानी दे देता। तो इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग गए कि यार हमें भी जो है वो कोई ना कोई एड हेल्प मिलनी चाहिए, हमारी भी रिक्वायरमेंट है, पानी हमें भी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन है कि जो इसको ख़रीद लेगा ना। तो हज़रत उस्मान गए उनके पास, यहूदी के पास, उन्होंने कहा मैं ख़रीद लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं इसको ख़रीद सकते, ये बहुत महंगा है, मुझे भी चाहिए, मेरी भी फैमिली है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं ना कि एक दिन तुम रख लो, एक दिन मैं रख लेता हूँ। ये आपने स्टोरी होपफुली सुनी होगी। तो उसने कहा कि मैं इतने आपको 1000 और इतने 1000 रुपये दूंगा उस टाइम के, बहुत बड़ी तादाद बनती। तो यहूदी मान गए, ठीक है, उसने उनसे पैसे लिए। एक दिन अब हज़रत उस्मान का पास होता था, उसमें वो क्या करते थे, मुसलमानों को भी पानी भरने की इजाज़त देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, यहूदी भी सारे बढ़ते थे। अब ऐसा हुआ कि जब दूसरा दिन उनके पास आता था तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो फ्री में मिलता होता था तो लोग दूसरे दिन का पानी भी भर लेते थे। तो उसका जब कारोबार कम हो गया तो उसने वो भी बेच दिया। फिर वो उसके आसपास एक बहुत बड़ा ये बाग भी था खजूरों का, उसने वो भी सेल कर दिया हज़रत उस्मान को ना। तो हज़रत उस्मान ने वो टोटली डेडिकेट कर दिया जो इंसान जितने भी हैं, ठीक है, जिसमें मुसलमान यहूदी निसार जितने भी हैं सारे उससे जो है वो मैं अजान के बाद पढ़ रहा हूँ। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि वो बैरा रोमा का जो कुआं था वो उन्होंने खरीद के वो भी अवामुन्नास को दे दिया, ठीक
ठीक है, जिसमें हर लोग भरते थे, ठीक है। फर्दर मोर उन्होंने वहाँ का जो बाग था वो भी ले लिया, तो वहाँ से जो है वो सारे जो है मुस्तफीद हो रहे थे। तो कहने का मकसद है कि डोनेशन का फायदा, ठीक है, दुनिया में आखिरत में कितना ज्यादा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाला। उन्होंने कहा कि मैं जन्नत में एक घर का उसका बताता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ देखें, अभी वो ना जन्नत देखी गई ना की, लेकिन ईमान इतना मजबूत था अल्लाह पाक पे कि उन्होंने अपनी सारी एफर्ट लाइफ की उसमें लेके वो चीज़ें खरीद ली थी। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि डोनेशन सदका कैसे सदका जारिया बनता है, कि अभी भी ये जो बैरा रूमा का कुआं है, ठीक है, सऊदीया में मक्का मदीना में जहाँ, तो वहाँ पे अभी भी जो वहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का मीटर, वो भी अभी हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम के नाम पे ही है, ठीक है। उनका बिल वो उन्हीं के नाम पे आता है और पे किया जाता है। सिमिलरली वो वेल का जो पानी है, वो कुएं का पानी है, वो अभी भी बाग को लगता है, ठीक है। और उस बाग की जितनी भी अर्निंग आती है, ठीक है, वो हजरत उस्मान के अकाउंट में जाती है, ठीक है। मे बी शायद इसका आपको आइडिया हो या ना हो कि टिल नाउ वो प्रोसेस चल रहा है, और हजरत उस्मान का जो अकाउंट बनाया गया उसमें वो जितने भी वो दिया जाता है कारोबार के लिए, वो जगह दी जाती है जो उन्होंने खरीदी है, उस बाग में से जो कुछ उगता है वो ठेके पे दिया जाता है, और जो भी रिटर्न आता है वो उस अकाउंट में जाता है। वहाँ एक मस्जिद भी बनाई गई है, ठीक है, हजरत उस्मान के नाम से, ठीक है। और जितनी भी वहाँ से अर्निंग होती है वो सारी जितने भी ये यतीम और बेवाओं लोग हैं, ठीक है, इनको जो है वो मिल जाती है। तो कहने का मकसद है कि ये सारी चीज़ें आपकी बेस करते हैं कि आप कितना आपका फेथ है, कितना आपका यकीन स्ट्रांग है ऑन अल्लाह। तो अल्लाह पाक आपको दुनिया में भी सुरखरू करता है, आखिरत में तो आपके, ठीक है, फिर तो अल्लाह के पास ही आप डायरेक्ट कनेक्शन। तो कहने का मकसद है, इंस्टेड ऑफ दुनिया में लोगों को राजी करने में आप देखें कितना कितना टाइम लगा देते हैं, ठीक है, फिर भी जो है वो इंसान अपनी जो है वो फितरत पे कभी ना कभी आपको डिसअपॉइंट कर देता है, लेकिन अल्लाह पाक ही है कि वो कहते हैं कि आप एक कदम आ जाए मेरी तरफ, मैं जो है 10 कदम आपकी तरफ आऊँगा। तो इस रमज़ान में ट्राई करें अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए, अल्लाह पाक की खुशनूदी खातिर करने के लिए, ठीक है। फर्दर मोर मैंने ड्यूरिंग दीज थिंग्स मैंने ना ये लेक्चर शेयर किया है, तो मैं आपको अगर शेयर कर पाऊँ, व्हेन मेक दुआ टू अल्लाह सुबहान ताला, ठीक है, तो ये मैंने आपसे शेयर भी करता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा मुझे सुकून भी मिला। उसके बाद मैंने भी जो है वो कुछ दवा तो मैं इसे इससे मिलती जुलती ही करता था, लेकिन फिर इंसान को ना दुआ मांगने का ढंग आ गया। आप जाते हैं ना, आपको कोई फेवर चाहिए होती है, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं आपको दूर नहीं, आपने ना किसी से कोई काम कहना है, ठीक है, किसी से कोई फेवर चाहिए, कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो आप कैसे करेंगे बताएं मुझे। ऑब्वियस है ना, आप नहायत अदब से जाएंगे, बड़े तरीके से आप जो है वो अपनी बात उसको पहुंचाएंगे, ऐसा ही है, ठीक है। सारी चीज़ें आप देखेंगे, मद्देनजर रखेंगे और उनको बताएंगे ताकि आपकी वो बात मानी जाए। तो सिमिलरली जब आप अल्लाह के पास जाते हैं, इतने यकीन के साथ जाएं कि अल्लाह मुझे देगा, लेकिन मांगने का वो ढंग मुझे आ जाए, तो आप देखें कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मैंने ऐड कर दिया है, ये मैंने चैट में आपको ना, ये आपने लाजमी सुनना है, ठीक है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा, इवन के मे बी शायद दिस रमज़ान विल बी आर योर टर्निंग पॉइंट, के यहाँ से आपका जो है वो बिल्कुल ही लाइफ आपकी बदल जाए। तो मैं ट्राई करता हूँ अपने स्टूडेंट से भी शेयर करता हूँ चीज़ें, जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, जो चीज़ें मैं देखता हूँ, ताकि लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आए। तो अल्लाह पाक, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक दफ़ा अल्लाह पाक के साथ अपने ताल्लुक ठीक बेहतर कर लें, दुनिया की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, दुनिया में आपके रिस्पेक्ट होगी, और इंसान यही चाहता है, और क्या चाहता है, यही चाहता है ना कि आप वेल सेटल्ड हो, ठीक है, आपकी बात लोग एग्री करें, आपको रिस्पेक्ट दें, ठीक है,
आपका नाम बने, काम बने, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बस आपने अल्लाह के साथ अपने जो है वो रब्ता बेहतर करना है, ताल्लुक बेहतर करना है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर भेजा है, ठीक है, मिल गया आपको ये, एवरीवन इन अ मीटिंग, ओके। सो ये मैंने आपको यस सर, लेक्चर, हाँ ये मैंने आपको लेक्चर भेज दिया, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम पे है, ये 8-1 मिनट की वीडियो है, इसको आराम से हैंड्स फ्री लगा के आपने सुननी है, ठीक है, कि कैसे दुआ की जाती है। बेस्ड ऑन तवस्सुल है, ठीक है, कि इसके तवस्सुल से मुझे ये अता कर दे, अल्लाह पाक आपकी एम्पावर्ड है, आपके तवस्सुल से मैं ये चीज़ मांग रहा हूँ, ठीक है। आप खुदा हैं, ठीक है, आप मालिक हैं, खालिक व मालिक हैं, ठीक है, सारे जहाँ के खालिक मालिक हैं। फिर आप अपनी इल्तिजा करें तो अल्लाह पाक ज़रूर आपकी इस चीज़ को जो है वो अर्ली बेसिस पे आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ठीक है। रमज़ान में मेरे लिए भी दुआ करें थैंक और इबादत करें, और ये लाजमी वीडियो देखिएगा, बल्कि आप जो है वो इसमें इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने क्या चीज़ें सीखी। वो आप जब लिखेंगे ना, वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है, तीन तरीकों से दवा करना ये आपको बताएगा। अल्लाह पाक के नाम से, कि अल्लाह पाक के नाम लेके अल्लाह पाक के सामने अपने आप को कमतर, कमज़ोर, लाचार शो करके, और थर्ड वन आप इसमें देखिएगा, ठीक है। जब आप इसे पढ़ लें तो आपने कमेंट्स में लाजमी रखना है, मैं पढ़ूंगा आपकी बात, ठीक है, कि क्या आपने इससे सीखा है। ओके, स्टे एट होम, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।